हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम चौधरी और मैं इस टाइम हूँ जितने मर्जी हूँ। मैं इस टाइम सदमे में हूँ कि मेरी गाड़ी तो चली गई लेकिन मेरी गाड़ी भी चली गई। मेरे पास एक बड़ी अच्छी वॉइस है, मैं सुनाना चाहूँगी लेकिन मैं अभी वो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मैं अभी सिर्फ देख रही हूँ कौन किस हद तक कितनी गंदे तरीके से गिर सकता है। गिरता है, गिरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ चुप हूँ तो शायद अपनी माँ की वजह से हूँ कि वो ठीक नहीं है। मेरी अम्मी बहुत बीमार है, ठीक है, आप सब दुआ कीजिएगा मेरी अम्मी के लिए। मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से चुप हूँ, मैं उसे ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं देना चाहती। तो मैं जनाब नाम मेंशन करना भी चाह रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही, लेकिन मैं चुप हूँ कि मैं अपनी माँ को ज़रा टेंशन नहीं दे सकती, ठीक है। इसलिए मेहरबानी, हाथ भी जोड़े हैं, पाँव भी पकड़े हैं, सब करके देख लिया। गाड़ी ना देने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जाहिर सी बात है खा ली, खा ली तो फिर सीधी तरह बोलो ना यार। आज मैं साफ साफ बता ही दूं कि आज से 1 साल पहले मैं गुजरांवाला से गुजरात शो करने गई थी, वनडे शो था, ठीक है, और वो शो भी प्लानिंग से रखवाया गया था, ठीक है, कि जाते हुए मुझे किसी ने नहीं रोका, आते हुए मुझे नाके पर गाड़ी पकड़ी और उस गाड़ी के मुतालिक बड़ा कुछ निकला। मैंने तो उस गाड़ी के पूरे पैसे दिए हुए हैं, फिर मेरी गाड़ी का क्या करना है? हराम की कमाई तो किसी की भी नहीं होती। तो प्लीज़ जो जो मेरी ये लाइव कॉल देख रहे हैं आप उसको ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा। और मेरी किसी भी बात को कोई ये समझे कि पागल है, नशे में, ये करी वो करी, तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीता है। अभी फ़िलहाल लाइव आके मैं आपको यही कह रही हूँ कि अभी भी बोल रही हूँ, आपकी मेहरबानी होगी, मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दें। गाड़ी नहीं देनी, मुझे मेरा पैसे वापस दें। अगर वो भी नहीं देने तो मुझे साफ साफ बता दें ताकि मैं फिर यही समझूं कि मैंने अपनी बच्ची का सदका दे दिया है या अपनी माँ का सदका दे दिया है। ऐसी गाड़ियाँ तो हजार बन जाती हैं लेकिन इंसान की औकात का पता चल जाता है वो किस कैटेगरी का, कितनी गंदी जहनीत और किस औकात का मालिक है, उसकी परवरिश का पता चलता है। और मेरी परवरिश का पता 1 साल से चल चुका हुआ है कि मैं चुप हूँ। तो शायद ये मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया होगा कि नहीं पुत्र, छाड़ दे, अल्लाह ते छाड़ दे, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, तेरे पैसे ने तेनू मिल जाएंगे। मेरी वीडियो को देख के हंसने की जरूरत नहीं है। मैं नाम भी मेंशन करूंगी, ये नहीं कि मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, मैं करूंगी क्योंकि मुझे ड्रामे से भी रोक दिया गया जी, वहां ना आना, ड्रामा नहीं करना। उस बेचारे प्रोड्यूसर का क्या कसूर है जिसके पैसे लगे हैं, जिसकी पब्लिसिटी बनी हुई है? तो मैं तो अभी भी डरने वाली नहीं हूँ, बस डरे तो बेचारे, नुकसान में किसी का, मेरी वैसे नुकसान हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करती, वरना माँ ने को लाल पैदा नहीं किया। किसी को किसी का रिजक बंद कर नहीं सकता कोई भी, जो उसकी किस्मत में लिखा, जो नसीब में, वो मिलना ही मिलना है, ठीक है। एक ड्रामा नहीं करने दोगे, दो ड्रामे नहीं करने दोगे, तीन प्रोड्यूसर को भड़का लोगे, चार को, पांच को, कब तक भड़काते रहोगे? भड़काओ, अच्छी बात है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बाकी बात रही गाड़ी नहीं देनी तो दसो ना यार, की रंगबाजी है, सीधी तरह साफ सामने आओ कि बीबी जा खा ले नहीं पैसे, पता भी तो लगे रन की कमाई कि मैं खाई दिए। गुस्सा तो बहुत है मुझे, चुप तो मैं फिर बैठ गई हूँ कि अब इस कॉल के बाद देखूंगी क्या करते हैं बदमाश भी और बदमाशों के बदमाश भी। वो किसे रंग ना बदमाशी कर दे, वो किसे भाई ना लड़ो ना जनाब जी, जिसने जिसके साथ जिसने अब मुझे ड्रामे से मना किया ना, मैं उसको भी ये बोल रही हूँ, मेरा पीर भाई था, पीर पैन हो गया है, उसको भी ये बोल रही हूँ कि तूने बदमाशी करनी ना, अगर तूने रिजक ही बंद कर तो तू सकता नहीं, लेकिन अगर तू कहता तो मैं फिर भी आती हूँ गुजरा, ड्रामे निकाल ले। बेचारा प्रोड्यूसर नहीं मान रही तो ड्रामा, मैं हफ्ता नहीं दो करके आती, लेकिन मैं किसी